क्या जब भी आप ठंडा गरम खट्टा कुछ भी खाते हैं तो आपके मुंह में जंजनाहट होती है, सेंसिटिविटी होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रीजंस शेयर करूंगा जिनके कारण सेंसिटिविटी होती है। वो कहते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना हो तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए जो सेंसिटिविटी का कारण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत सानी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। सेंसिटिविटी को समझने से पहले हम समझते हैं दांतों की तीन लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटीन, पल्प। जैसा कि आप फोटो पर देख सकते हैं, जब इनेमल लेयर, जो बाहर वाली लेयर है, जब वो घिस जाती है, हट जाती है, तो दूसरी लेयर एक्सपोज हो जाती है, और दूसरी लेयर के एक्सपोज होने के कारण आपको ठंडा गर्म लगता है। तो इसके कई सारे रीजंस होते हैं इनेमल के हटने के। सबसे पहला रीजन होता है जब आप जोर जोर से ब्रश करते हैं। जोर जोर से ब्रश करने से क्या होता है, आपकी इनेमल लेयर घिस जाती है और दूसरी लेयर एक्सपोज हो जाती है। तो आप कहेंगे फिर हम जोर जोर से ब्रश ना करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रशिंग का केवल एक ही पर्पस होता है कि आपके मुंह में दांतों पर जो भी खाना चिपका हुआ है उसको रिमूव करना। तो आप क्या कीजिए, मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है कि इफेक्टिव ब्रश कैसे करें, 2+2 रूल मैंने बताया हुआ है, और इफेक्टिव ब्रशिंग कैसे करते हैं वो भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वीडियो को देखिएगा। तो आज से क्या कीजिए, सबसे पहली चीज, अपने ब्रश को आपको जोर जोर से नहीं करना, आपको धीरे धीरे से, प्यार प्यार से, राइट ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए करना है। दूसरा रीजन ये होता है कि ब्रशिंग हो सकता है आप ठीक करते हो, बट आपका ब्रश हार्ड ब्रिस्टल्स वाला हो, उससे भी इनेमल लेयर जो है हट जाती है। तो उस केस में क्या कीजिए, आप मार्केट में जाइए, सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला ब्रश लेकर आइए। अपने डेंटिस्ट को कहिए, क्लिनिक पर जाइए, उनको कहिए कि हमें एक सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला ब्रश दीजिए। तीसरा रीजन जिसके कारण इनेमल हट जाती है कि आप डेली बेसिस पर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स, लो पीएच वाली चीज़ें, लेमन जूसेस वगैरह पीते हो, क्योंकि जो एसिडिक चीज़ें होती हैं, हमारी इनेमल लेयर बेसिक नेचर की होती है, और आपको तो पता है एसिड प्लस बेसिक चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं जिसके कारण इनेमल लेयर घिस जाती है, हट जाती है। तो आप जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, और अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी भी है ना तो इफेक्टिव वे क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। चौथी चीज़ जिसके कारण आपको सेंसिटिविटी होती है कि अगर आपके मुंह में, आपके दांतों में कैविटी हो चुकी है, यानी कि गड्ढा बन गया है, उस केस में आपको सेंसिटिविटी होती है। पांचवी चीज़ जो मैंने बताई थी आपको कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक गलत है, उस कारण भी आपको सेंसिटिविटी होती है। तो राइट ब्रशिंग टेक्निक को यूज कीजिए। तो इन सभी कारणों के कारण, ये पांच मोस्ट कॉमन कारण थे जिनके कारण सेंसिटिविटी होती है। बाकी और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे आप टोबैको वगैरह खाते हैं, पान मसाला वगैरह, स्मोकिंग टोबैको, कुछ बहुत सारी चीजों का कंजप्शन करते हैं, उन सभी कारणों के कारण भी इनेमल लेयर घिस जाती है। और अगर कारण जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा होम रेमेडीज क्या क्या हैं, अगर सेंसिटिविटी हो चुकी है आपको, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या क्या इलाज आपका होएगा, वो भी बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भारत की पहली ऐसी डेंटल की कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ द डेंटल नेटवर्क के नेम से, और आपको इनवाइट करूंगा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें अपनी डिटेल्स भरिए। मेरा एक ही मिशन है कि पूरे इंडिया के लोगों को दांतों रिलेटेड कोई भी समस्या हो, पहले ही हमने समाधान दे देना। तो आप सभी का प्यार चाहिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और शेयर भी करने के लिए उन लोगों के साथ जिनको सेंसिटिविटी है या सेंसिटिविटी होने वाली है, उन सभी को पहले ही अवेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डॉक्टर प्रभजीत सानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।